तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखिए, हमारे फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वो लगभग फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है, आपके फोन में ना जितने फालतू के ऐप्स है ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन की गैलरी को ओपन करना है। फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट कर देनी है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग देखने को मिलेगी। तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए ना एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए, राइट साइड के टॉप पर छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। आपका एक ये पेज आएगा, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद कर रखा है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। देखिए दोस्तों, ऐप्स की बैकअप सेटिंग को मैं इसलिए बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है ना, तो इससे हमारे फोन के जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो जल्दी जल्दी फुल हो जाता है, जिसके कारण हमारे फोन में बार बार जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए आपको इन बैकअप सेटिंग को बंद रखना है, ठीक है, जिससे आपके फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से बाकी सभी ऐप्स में भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है, जिस जिस ऐप में बैकअप सेटिंग मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जो डेटा है ना, उसका आप बैकअप ले लीजिए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।